तो देखिए इस पे अगर मैंने मान लीजिए मैंने चार्ट लगा दिया, कॉलम चार्ट की बात करें, हमने कॉलम चार्ट यहाँ पे ले लिया। कॉलम चार्ट लेने के बाद पता चला कि हमें इसके अंदर टारगेट भी डालने थे, तो हमने सेल्स के अंदर यहाँ सेल्स के बगल में टारगेट का डेटा तो मान लीजिए टारगेट का डेटा मेरे पास 50 है, और 50 को हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर। अब 50s के अंदर कैसे आएगा? देखिए आएगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो आपका कॉर्नर में दिखा रहा है कि बन रहा है, इसी कॉर्नर को क्लिक करके हम इसको ड्रैग करते 50 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट से यहाँ पे चेंज डेटा टाइप पे जाएंगे और यहाँ इसको टारगेट को हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर। इस तरह के दो चार्ट में आप डाल सकते हैं, एक को लाइन एक को टारगेट, इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, इस तरह से आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट आसानी से कर सकते। अब इसमें बात आती है कि अगर मेरे पास डेटा दो तरह का हुआ, तो जैसे मैं यहाँ पे अपना टारगेट डाल दिया और यहाँ मेरे पास यहाँ पे जो है ना परसेंटेज है, किसने कितना परसेंट अचीव किया है, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ सम ऑफ, तो एक कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है कि किसका कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन। पर प्रॉब्लम ये है कि ए जो है परसेंटेज में, और जानते हैं कि परसेंटेज डेसिमल होता है, तो अगर मैं इन दोनों को लिया और इन दोनों को लेने के बाद अगर मैं इस पे चार्ट बनाया, तो आप देखेंगे कि हमारा जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशंस है वो कहीं पे दिखेगा ही नहीं। ना दिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो जीरो के आसपास की वैल्यू है, एकदम छोटा 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 यहाँ दिख रहा है, लेकिन मुझे उसको दिखाना है। तो आप इस किसी को सिलेक्ट करके चेन सीरीज चार्ट टाइप पे जाइएगा, तो वहां आपको कॉम्बो चार्ट में यहाँ देखिए परसेंटेज दिख रहा है। तो यहाँ एक आता है सेकेंडरी ऑप्शन, बट सेकेंडरी ऑप्शन करने के बाद भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका डेटा नहीं दिख रहा, क्योंकि डेटा ओवरलैप हो गया, मतलब एक पीछे उसके ऊपर से आ गया। तो डेटा सही दिखने के लिए आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें, या आप इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट करें, तो इस तरह का दिखेगा। तो जो आपको सेटेबल लगता है उस तरह के चार्ट में इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो दो तरह के चार्ट के लिए हमने सेकेंडरी एक्सेस कर दिया, एक एक्सेस इसके लिए है और दूसरा एक्सेस इसके लिए। समझे महेंद्र जी? अमित जी समझ में आया आपको? हाँ जी सर, तो दो तरह के डेटा टाइप्स में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आती है कि मेरे पास अगर डेटा काफी ज्यादा हो तब क्या करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैंक के नेम बैंक, और यहाँ पे मैंने बैंक में SBI, इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं PNB, HDFC, कोटेक, इस तरह के हमारे बैंक, और यहाँ हमने अपना जैन फेब मार्च वाला सिस्टम कर लिया मंथ, और यहाँ हमने अपना फॉर्मूला रैन बिटवीन का लगा दिया। लगाने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, ये रहा ड्रैग, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब इस पे हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपना चार्ट। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस चार्ट में इस तरह का गजपच दिख नहीं रहा, दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं ए वाला चार्ट, इसको एक्सट्रैक्ट चार्ट का। स्ट्रक्चर चार्ट में क्या होता है कि आपका जो है बार है, मतलब कॉलम जो है एक ही बनेगा और उस कॉलम के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे देखिए मंथली रिपोर्ट्स आ गए, और मंथ के अंदर जनवरी मंथ के अंदर SBI के कितना सेल है, आपका इसका कितना सेल है,
पीएनबी के इतना आश्रय सब वो पार्टीशंस में बट गया। अब स्विच कर सकते हैं कि आपको बैंक वाइज रिपोर्ट चाहिए और मंथ वाइज आपको स्विच चाहिए, तो यहाँ पे स्विच रो ऑन कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए बैंक वाइज हो गया और इसकी आपके डेटा आ गया। अब इस पे डेटा शो करना है तो ऐड डेटा लेबल कर दीजिए और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं कि कलर कैसा चाहिए या कैटेगरी नेम आना चाहिए SBI या सीरीज नेम आना चाहिए जैन, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मुझे इनसाइट सेंटर नहीं चाहिए, इनसाइट में चाहिए या इनसाइट बेस में चाहिए, इस तरह से अलग करना आप, और इसकी कलर वगैरह चेंज करना है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको और बेटर तरीके से करना है तो कैसे करें, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने इंसर्ट कर लिया, अब मुझे अपना ए चार्ट अलग अलग चार्ट ही शो करना है, हमें इसको मिक्सअप नहीं करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ समझ पाना मुश्किल है कि SVI कौन है इसके अंदर, PNB कौन है इसके अंदर। तो हालांकि इस पर हम राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर देते हैं तो ऊपर डेटा लेबल आ जाएगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल और इसमें हम सीरीज नेम डाल देंगे तो बैंक नेम आ जाएगा। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट में, अगर अलाइनमेंट में जाके मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो और थोड़ा बेटर दिखेगा, लेकिन फिर भी इतना अनस्टेबल नहीं है, हमें चाहिए क्विक अंडरस्टैंडिंग। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे, इसकी लोगो इसकी कलर के जगह पे हम इसका लोगो डाल दें। तो चलिए हम चलते हैं इंटरनेट पे और यहाँ गूगल पे आते हैं और यहाँ पे हमने SBI लोगो पे क्लिक किया, इमेज पे गए और एक लंबा मतलब कि जो इसकी स्टेट बैंक का लोगो वो उठाएंगे, लंबा वाला लोगो। ठीक है, ठीक हो लेते हैं, सर ये लंबा तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको पेंट कर ले जाएंगे, लंबा करेंगे, बॉर्नविटा वगैरह पिलाते हैं इसको। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके ऊपर वापस एक्सेल पर आने के बाद हमने इसको क्या किया, इसमें सेव फॉर्मेट में गए और इसको हमने 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना था। थोड़ी कॉपी करके इसी में, क्योंकि तो वो पेंट से आया ना, इस कारण से नहीं हो पा रहा था, पेस्ट है जे पिक्चर्स में हमने इसको अब ये रोटेट दिख रहा है। ये सही रहेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ स्टेट बैंक को क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज और यहाँ फिल में आते हैं, फिल वाले सेक्शंस में, और इसमें आपका दिख रहा होगा पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स और यहाँ क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, क्योंकि हमने कॉपी कर रखा है तो क्लिप बोर्ड में है, तो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किए तो स्टेट बैंक आपका आ गया। ऐसे बाकी बैंक का भी आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, ये तो बैंक वाइज थे तो इसलिए आपका आ गया, मान लीजिए मेरे पर्सन वाइज है, मान लीजिए मेरे नेम मैनेजर्स के नेम है, तो क्या मैं यहाँ पे मैनेजर का फोटो लगा दू? नहीं, आप नेम भी दे सकते हैं। देखिए कैसे, हम इंसर्ट में हमारे पास वर्ड आर्ट होता है, इस वर्ड आर्ट को हम लेते हैं, लेने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, जैसे मान लीजिए कि PNB है, तो
पी एंड बी बैंक, और इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं थोड़ा सा, और इसके ऊपर अपना एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग वगैरह है कोई, और इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको भी हम सेव फॉर्मेट पे जाके रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, और फिर इसको हम कॉपी करते हैं और सिलेक्ट करते हैं डे सीरीज को, और सेम राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे हम आते हैं और यहाँ हम दे देते हैं पिक्चर्स क्लिपबोर्ड। बट यहाँ एक दिक्कत हो रही है, बताइए क्या दिक्कत है इसमें सर? महेंद्र जी, पीएनबी बैंक के साथ कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? नीरव मोदी के एरिया में नहीं अलावा आ कोई रहा दिक्कत दिख रहा है? फुल एरिया में नहीं आ रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि इतना ऊपर का गैप छूट रहा है, नीचे गैप छूट रहा है, मतलब कि ये आपका और है 65 के आसपास है ना सर? लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो शो करेगा 60 के नीचे, जो कि गलत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना जो मेरा जो टेक्स्ट ए था, वर्ड वर्ड आर्ट था, उसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। आपको वर्ड आर्ट को कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर करना है। पिक्चर हो गया। अब पिक्चर करने के ओके बाद इसको आप क्रॉप कर दें, क्रॉप करके जो फालतू के एरिया बच रहा है उस एरिया को रिमूव कर दें, या एमएस वर्ड पे ले जाए वहां से रिमूव करके लाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको कॉपी करें और कॉपी करके राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसमें फिल, और फिल के अंदर हम यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं। अब बेटर है, ठीक है सर? तो ऐसे भी कर सकते हैं तो बेटर है, लेकिन इस ऐसे चीजों का यूज वहां पे होता है जो हमारा फिक्स रिपोर्ट हर दिन चेंज हो रहा हो, तो हर बार चार्ट बना रहे हो, वहां पे ये सही नहीं रहेगा। क्या लग रहा है, सही रहेगा सर? नहीं तो वहां पे ये आपका सही नहीं रहेगा। क्लियर है? दूसरा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट में इस बार हम लाइन कॉलम चार्ट ना लेके हम बार चार्ट ले लिए, तो बार चार्ट को भी आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी ऐसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे देख क्या देख पा रहे हैं कि अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन डेटा आपका जनवरी से है, देखने में दिक्कत लग रही है ना सर? तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में आप फॉर्मेट एक्सिस को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स यहाँ दिख रहा होगा, कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर कर दिया तो ये आपका जैम जाएगा। लेकिन ये क्या, वो जो हमारा सीरीज था 10 20 50 वाला ऊपर चला गया, तो आप उसको ऊपर सेलेक्ट करें, और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है, टिक मार्क है, लेवल्स में आते हैं, लेवल ऑप्शन, नेक्स्ट टू एक्सिस है, इसको क्लिक करके हम यहाँ पे हाई कर, ठीक है, आ गया नीचे। क्लियर है सर? तो इस तरह की चीजें आप कर सकते, तो ग्राफिक्स को अपने हिसाब से चार्ट में ऐड करके अपना चार्ट इजली तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों का सर? ठीक तो अभी आप लोग इस तरह की फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस करिए, कल हम चार्ट के ऊपर फॉर्मूला लगाना सिखाएंगे कि फॉर्मूला के साथ हम चार्ट कैसे लगाएंगे, या चार्ट के अंदर हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ठीक है सर? ठीक है सर। उसके बाद फिर हम ट्रिक्स चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे।